प्रेरणा दुबे एंड वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग प्रोफेसर। तो आज आपके प्रोफेसर लेकर आई हैं किचन के लिए बहुत ही काम का वीडियो। क्या है वो जानने के लिए जाना होगा हमें हमारी क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज मैं आपको पुराने टॉवल का यूज करके बहुत ही काम की चीज बनाना सिखाऊंगी जो किचन के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए ये है मेरा पुराना टॉवल, आप देख रहे हैं कितना सुंदर टॉवल है। इसके अलावा हमें चाहिए कुछ कतरने, तो कतरनों के जो बड़े पीसेस होते हैं वो हमें चाहिए। यदि आपके पास मैचिंग है कतरने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कंट्रास में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए मेरा ये आसमानी और रेड कपड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ग्रीन बहुत अलग है तो इसे मैंने हटा दिया है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले इस टॉवल को पूरा देख लेना है कि कितना बड़ा है ये और हमें कितनी स्ट्रिप्स इसमें चाहिए हैं। स्ट्रिप्स क्यों चाहिए हैं अभी आगे आपको मैं बताती हूँ। तो इसके चारों तरफ हमें लगानी होगी पतली पतली सी प्लेट्स देते हुए बहुत ही सुंदर सी फ्रिल। अब देखिए मैं ये स्ट्रिप कट कर रही हूँ, तो इसका कोई भी नाप नहीं है। आप मेरा टॉवल बनने के बाद में देख लीजिएगा, आप चाहें तो उसे उतना भी रख सकते हैं और उससे कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने ये जो स्ट्रिप्स ली है इसकी चौड़ाई 4-4 इंच ली है। तो इस तरीके से हमें सारे पीस कट कर लेने हैं। अब हमें एक एक स्ट्रिप उठानी है और दो को आपस में इस तरीके से अटैच करना है। तो हमारी कटिंग हो गई, अब हम चलते हैं मशीन पे। तो देखिए सबसे पहले हमें सारी स्ट्रिप्स आपस में अटैच करना है। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल स्टिचिंग प्रोफेसर को, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको मिलती रहे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन। यदि आप किसी विषय पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं आपके विषय पर भी जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। अब ये स्ट्रिप्स सारी अटैच हो जाएंगी, तो एक साइड हमें इसे हल्का सा फोल्ड करते हुए और पूरी स्ट्रिप पे स्टिचिंग लगा लेनी है। अब हम इस पे अटैच करेंगे वो स्ट्रिप्स पतली पतली सी प्लेट्स देते हुए। जी हाँ, हमें लगानी है इसके चारों तरफ इस तरीके से फ्रिल। आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ सेम इसी तरीके से आपको भी बनाना है, क्योंकि सबसे आसान तरीका प्रोफेसर आपके लिए लेकर आती हैं। मेरे किसी भी वीडियो को देखते समय उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना नहीं भूलना है, क्योंकि प्रोफेसर देती हैं वहाँ पे बहुत से काम के लिंक। अभी मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे घर में रखे हुए सामान से डेकोरेशन आइटम बनाना सिखाया है। यदि आप स्टिचिंग प्रोफेसर की प्लेलिस्ट देखेंगे तो सारे वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखिए फ्रिल लगने के बाद में इसे पलट के और सीधी साइड से इसे दबाते हुए हमें इस तरीके से इस पे स्टिचिंग लगा लेनी है। ये देखिए इस जगह पर हमें स्टिचिंग लगानी है, क्योंकि इस तरीके से स्टिचिंग लगाने से इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। बनने के बाद आप सोचेंगे हम सिंपल टॉवल का भी तो यूज कर सकते थे, लेकिन मेरा कहना ये रहता है हमेशा से कि आप अपना प्रेजेंटेशन बेस्ट रखिए। जब आप इसको इस तरीके से बना के किचन में यूज करेंगे तो आपके किचन का ही लुक पूरा चेंज हो जाएगा। तो देखिए बन गया मेरा टॉवल कितना सुंदर सा। अभी मैं आपको इसे पूरा भी अच्छे से दिखाती हूँ। तो देखिए इसका लुक आप देख रहे हैं, जरा सी मेहनत से कितना सुंदर आ गया है। इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारी सोनी। बर्तन मांजने से पहले प्लेटफॉर्म पे इस टॉवल को बिछाती हैं, फिर इसके ऊपर बर्तन का डलिया रखती हैं, जिससे बर्तनों में से टपकने वाला पानी प्लेटफॉर्म की बजाय टॉवल पे गिरे और टॉवल इसे एब्जॉर्ब कर ले। साइड में जो स्पेस है टॉवल का वहां पे रखते हैं कांच के बर्तन। कारण वही है कि दाग भी नहीं लगे और बर्तनों की सेफ्टी भी रहे। तो बना दिया ना प्रोफेसर ने वेस्ट को बेस्ट। वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का। तो अभी आपने देखा कि एक पुराने टॉवल का यूज करके मैंने बहुत ही जरूरत की चीज आपको बनाना सिखाया है, सारी चीजें समझाई हैं डिटेल में। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बनना है स्टिचिंग में प्रोफेसर तो सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग प्रोफेसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ।